रेलवे ट्रैक जो रेल की, इसको बोलते हैं रेल की पटड़ी, इस पर हम खड़े हैं, इस पर चलती ट्रेन, आपने एक बार दिखाऊंगा मैं, थोड़ी आने भी लग रही है ट्रेन, वो उस ट्रेन को खींचता जो वो डब्बे होते हैं मालगाड़ी या, और उसको खींचता है रेल का इंजन, उसमें पता नहीं कितना टन वजन होता है, हमको तो देखिए तो मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारा उसके अंदर वजन होता है, जो कि एक पूरी ट्रेन को खींच लेता है वो इंजन, उसको क्या इंसान खींच लेता है? आप सोचते होगे नहीं खींचता, लेकिन उसको एक इंसान ने, भारत का जो एक व्यक्ति है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ट्रेन का इंजन खींच कर, आपने वो दिखाएंगे उसने कैसे ये ट्रेन का इंजन कब उसने खींचा था और कितका वो था, लेकिन आप सोचते होगे ये एक झूठ है, लेकिन झूठ नहीं है, ये पूरी हकीकत है, उस भाई तक भी मिलवावांगे आपने, और उसने कब खींचा था वो ट्रेन का इंजन, और उसकी कोसा गांव है उसका, और कितका वो रहने वाला है, कब उसका जन्म हुआ था, सारी आपने हकीकत दिखाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है, जैसे ये ट्रेन का इंजन आ रहा इतना ही लंबा उसने अपने दांतों से और हाथों से उसने अपना ट्रेन का इंजन, यानी कि 1 किलोमीटर तक वो खींच कर ले गया था ट्रेन का इंजन, जिस जो पटड़ी पर चलता है, ये देखिए ट्रेन का इंजन आ रहा है, यही इंजन उसने अपने हाथों से खींचा था पूरा ट्रेन का इंजन, एक बार दिखाना भाई, जो ये ट्रेन का इंजन है ये दिखाना, ये इंजन ही दिखाएंगे उस व्यक्ति ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ट्रेन का इंजन खींचने का, वो ही व्यक्ति आज हम अपने को दिखाएंगे, और ये ना तो कभी झूठ है, एक पूरी सच्चा। नमस्कार, मैं हूँ श्याम सुंदर, आप देख रहे हैं जनता शक्ति यूट्यूब चैनल, आज आपने एक ऐसे भाई से मिलवाना चाहते हैं जिसने ट्रेन का इंजन, जो छोटी बड़ी चीज़ नहीं होती ना कोई दिख कह देते, ट्रेन जो पूरा एक मालगाड़ी खींचती है और पूरी कितने पीछे सारे डब्बे खींचती है, जो उस भाई ने ट्रेन का इंजन खींचा था आज पटरी पर अपने खुद अपनी एक ताकत से, आज उस भाई से आपको मिलवाने जा रहे हैं, और उसका पूरा पता गाम, उसकी पूरी जीवनी आपने बतावाना, वो किससे था, कहाँ से था। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, आपने हमने सुनी है कि आपने ट्रेन का इंजन खींचा था। हाँ जी। तो आपका भाई नाम क्या है? मेरा नाम तेजिंदर सिंह उर्फ तेज जी, मैं अम्बाले जिले से रहने वाला हूँ, गांव फतेहगढ़ है जी, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला और तहसील नारायणगढ़ जी। भाई साहब, आपका जन्म कब हुआ था? मेरा जन्म 19 फरवरी 1987 को हुआ था जी। जो आपने जब वो ट्रेन का इंजन खींचा, तो कब खींचा था वो? वो अभी 5-6 महीने पहले खींचा था, मई के अंदर जी। उस टाइम में मैं जैसे वेट पुलिंग की तैयारी कर रहा था, तो मेरे को ट्रेन का इंजन खींचने की परमिशन मिली अपने टाटा प्रोजेक्ट से, तो मैंने ट्रेन का इंजन खींचा था। कोई आपने वैसे शौक में खींचा, किसी के साथ वैसे शर्त लगी हुई थी या कोई और बातें बनाई? नहीं जी, मेरा काम यही है, मैं वेट पुलिंग में ही ज़्यादा, मतलब के 4 साल से इसकी तैयारी कर रहा हूँ वेट पुलिंग की। जैसे पहले मैं छोटी मोटी गाड़ियाँ खींचता था जी, जैसे 6 चक्की 12 चक्की 18 टायरा 22 टायरा, उसके बाद मैं 2-2 ट्रालियों को उठा के ले जाता था, तो यानी कि वेट पुलिंग में ही मैं शुरू से काम कर रहा है, 4 साल हो गए थे मेरे को। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी मजदूरी करते थे। मजदूरी, वैसे कोई जॉब नहीं है, वैसे लोकल मजदूरी करते थे। हाँ जी। आपके क्या बहन भाई? हम 2 भाई हैं, 1 बहन। अच्छा, यानी कि आप एक गरीब परिवार से बिलोंग रखते हो। हाँ जी। तो आपने यानी कि पूरा संघर्ष कराया, आज आप इस मकान तक पहुँचे हैं, तो जैसे कई बार कहते लड़के हम गरीब है ये कर नहीं पाते, तो आपने वो साबित करके दिखाया कि हम एक गरीब परिवार से, हमने भी ये करके। नहीं जी, जो मन में होता है वो गरीबी कुछ नहीं, ये तो लोगों का कहना है कि गरीब हैं, अपने लिए तो हर एक कोई कमा ही सकता है, जो अगर मन में आ गया तो उसको काम को करना चाहिए। तो भारत में इससे पहले किसी ने खींचा, अब खींचा किसी ने? नहीं जी, भारत में अभी तक तो किसी ने नहीं खींचा, अभी ये पहला ही मैं इंसान हूँ जिसने ये इंजन को खींचा है अभी। तो यानी कि भारत में पहले ऐसे इंसान हो, ना तो किसी ने पहले खींचा था और ना अब तक को खींचा है। हाँ जी। तो सरकार की तरफ से आपसे कोई मदद मिली इसमें? नहीं जी, अभी तो कोई मदद नहीं मिली सरकार की तरफ से, अभी चल रही है बात, देखते हैं क्या बोलते हैं सरकार।
आपने सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, इसका क्या कारण हो भाई साहब? आप कभी मिले खेल मंत्री ने या कुछ, आपको कोई बुलाया हो या कुछ और? हाँ जी, कुछ इसका कारण ये है कि ये गेम है जो वेट पुलिंग की, हमारे देश में नहीं है, ये बाहर देश बाहर की कंट्री में है, शायद इस करके मेरे को सरकार की तरफ से कुछ मिला नहीं अभी तक। नहीं भाई ये तो कोई बातें नहीं हुई, लेकिन आप पहले व्यक्ति हो जो ट्रेन एक छोटी चीज़ नहीं होती, उसका इंजन एक छोटी चीज़ नहीं है, वस्तु नहीं होती भाई। क्रेन गले भी उठा के नहीं रखा जा सकता, वो कोई जैसे क्रेन ट्रक को उठा देती है यार, उसको भी नहीं रखा जाता तो, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो पता नहीं जी क्यों हो रहा, पर अभी तो बात चल रही है, शायद सरकार परमिशन दे दे अभी, क्योंकि मैंने तो सरकार की तरफ से ये परमिशन डाली है कि मैं अब जहाज को खींचना चाहता हूँ जी, जो 188 टन का किसी विदेशी ने कुरैशी ने खींचा हुआ है, मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ के 200 टन का खींच के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आप भी बना लिया भाई साहब आपने, वो और जब आपने सरकार ने इसमें मदद क्यों नहीं करी, क्या कोई आप गरीब उससे लोन करते हो इस कारण या कोई और? अभी तो बात चल रही है जी सरकार से, अभी उन्हें देंगे या वो देंगे उसका कुछ नहीं पता है। तो आप, आपको लगता कि आप जांच खींच सकते हो? हाँ जी हाँ जी। देखो इस वीडियो को शेयर करना और इस भाई की, इस भाई को पूरी यानी कि वो देना कि जितनी ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को कि भाई और उनको भी हौसला बढ़े खिलाड़ियों को। तो जिस भाई ने जो ट्रेन का इंजन खींचा था वो आज आपके सामने है, इसने पूरे भारत के अंदर आज तक ना तो किसी ने ट्रेन का इंजन खींच भी, ये जहाज खींचने की तैयारी कर रहा है, जहाज खींचने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो अभी कुछ और भी साथी हैं भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपने इनके साथ रह के आपने क्या सीखा? देखिए हमारा भाई तेजी अम्बाड़ा सिटी से है जी, जो एक गांव से है और एक गरीब परिवार से है जी, और पूरे इंडिया के अंदर एक भाई है जो वाल्मीकि कौम से है और हम इनको पूरी सपोर्ट करते हैं। और ये वेट पुलिंग एक गेम है जो बाहर विदेशों में है, लेकिन अब इंडिया में इसका भाई ने क्रेज शुरू किया है, तो हम भाई को दिल से सपोर्ट करते हैं। और अब पहली बार भाई ने ही ट्रेन को खींचा है, इसके अदरवाइज और कोई ऐसा इंसान नहीं है इंडिया के अंदर जो ट्रेन को खींच सके। अब जल्दी जल्दी भाई जहाज को खींचने जा रहे हैं, जिसकी परमिशन लेना होगी है, मतलब परमिशन दे रखी है, जल्दी मंजूरी मिल जाएगी, फिर भाई प्लेन भी खींचेंगे। भाई साहब आपका नाम? गोविंदा लाहौट पानीपत। देखिए इन साथियों से आज मिलकर हमने बहुत खुशी हुई, और इस वीडियो को पूरी शेयर करना ताकि इन भाइयों का हौसला बढ़े। और इनके साथ कुछ और भी साथी हैं, सुरेंद्र एडवोकेट जी, जैसे जी आज आप इन भाइयों से मिले हो तो आप इनको क्या क्या सहानुभूति देना चाहोगे, किस बारे में? मुझे जानकारी मिली और मैं बहुत ही खुश हुआ भाई, ये वाल्मीकि जाति से एक जो वर्ल्ड में इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज कराया, और रिकॉर्ड दर्ज कराने से अब मैं सरकार से इनको प्रार्थना करूंगा कि भाई इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, और ये घोषणा करता है कि भाई आगे नेक्स्ट टाइम में हम जहाज खींचने की का काम करेंगे और इससे भी बड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज कराने का काम करेंगे। आज मैं पाई गांव में भाईचारा खेल से ही भाईचारा बढ़ता है, और एक भाईचारा खेल खेलने से गांव-गांव में खेल प्रचार कर, ये भी एक गेम का खिलाड़ी है और ये भी भाईचारा स्थापित करने का के लिए आया था, और खेल से जो एक भावना मिलती है, आत्मसम्मान मिलता है, ये खेल की तरफ से देखते हैं। और भाई ने रिकॉर्ड दर्ज कराया पूरे वर्ल्ड में, मैं इसका तहे दिल से मान सम्मान करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मेरे से भी जो भी नेक्स्ट टाइम में तेजेंद्र और उर्फ तेजी को जितना भी सहयोग होगा, मैं दिल और मान सम्मान से इनका मान सम्मान करूंगा। देखिए सभी भाइयों ने बताया कि जो तेजी भाई ने एक रेल का इंजन खींचा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इनने इस वीडियो को पूरा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।